Hello everyone. Now we have a quick discussion of the questions that were asked in various engineering exams, JEE mains, pehle AIEEE aur kuch exams ke questions maine pick kiye hain. Iske help se main koshish karunga ki jitne bhi concepts hain wo sare cover kare. To ek quick discussion hoga sare ke sare concepts ka, theek hai? To aaiye shuru karte hain. Concepts hum log question ke form mein discuss karne ja rahe hain, okay? To aaiye hum log shuru karenge. राइट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर लिस्ट. इसको देखते हैं किस तरीके से करना बेस्ट होगा. इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर हम कंसेप्चुअल बात करें कि किस तरीके से हमें इसको करना है, तो आइए पहले कॉन्सेप्ट की बात भी करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसमें और कुछ टेक्निक भी सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग स्ट्रेट अवे आंसर कैसे देख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्लास नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा इमीडिएटली आफ्टर द क्लास. आई विल फॉरवर्ड इट टू यू. वीडियो की रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो मैं यूट्यूब पे भी इसको पब्लिश करूंगा, लिंक भी शेयर कर दूंगा. और इन केस जो लोग बाद में इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको अगर ये क्लास नोट्स चाहिए होगा तो दे'ल ड्रॉप अ मैसेज ऑन दिस नंबर 9319666162. ठीक है, आप इस पे मैसेज ड्रॉप करके यही वाले क्लास नोट्स ले लेंगे. ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स मेक अ स्टार्ट चिल्ड्रेन. साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करें. देखो, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे ट्रिक्स टेक्निक्स, अगर तुम्हें फॉर्मूलाज याद हैं, ध्यान रहते हैं, तो बहुत इजी होता है. जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर मैं बात करूं, जैसे कि साइन 30, राइट, साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन ऑफ 60 प्लस थीटा. ठीक है, अगर आप इसको ये ध्यान रख पाते हैं, अगर आप रख पाते हैं, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा. This is equal to what? This is equal to 1/4 sin 3 theta. ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आसानी से इसको समझ भी सकते हैं. इसके पीछे दो बेसिक फैक्ट्स हैं, ऐसा क्यों है, राइट? अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं तो बता रहा हूँ, एग्जाम के दिन जब जाना तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है. ध्यान रट के नहीं रखनी है, क्वेश्चंस करते हुए तुम्हें ध्यान रखना है. क्वेश्चंस करोगे तो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान में रहेंगी. ठीक है, जैसे सबसे पहली चीज़ तुम्हें ध्यान रहनी चाहिए कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, राइट, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. वॉट इज दिस? दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ऑल दो नेक्स्ट जो मैं तुम्हें फॉर्मूला दे रहा हूँ इसकी जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, राइट. इसकी डेरिवेशन अगर देखनी है तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा था, अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, उसमें इसकी डेरिवेशन भी दे रखी है. ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दैट. If you don't find the link, again message me on the same number. You'll get the link. Okay? This is what? This is cos square a minus sin square b. Okay? This could also have been written as cos square b minus sin square a. Okay? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. All right? फिलहाल इसकी ज़रूरत इस क्वेश्चन में नहीं है. हाँ, इसकी ज़रूरत है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये वाली चीज़ कैसे आती है. इसको बहुत आसानी से तुम समझ सकते हो. आई ऑल्सो बिलीव कि तुम्हें ये पता है दैट साइन 3 थीटा इज नथिंग बट 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा. आई एक्सपेक्ट कि तुम्हें ये वाली बात मालूम है. नहीं मालूम है तो भैया कुछ मामला सीरियस चल रहा है और ठीक नहीं है. राइट, यू शुड रिमेंबर सच थिंग्स, ओनली देन यू कैन थिंक ऑफ यू नो गेटिंग द आंसर्स वेरी क्विकली. ओके, पहले मैं तुम्हें बेसिक्स दे रहा हूँ, फिर उसको यूज़ करके मैं बिल्कुल हवा हवा में बात नहीं करना चाह रहा हूँ. इसमें थोड़े से बेसिक्स के साथ साथ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो तुम्हें पता होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे आपके आप में से कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा, सर आखिर ये कैसे है ना, ये कैसे, हाउ इज दिस. कोई टेंशन नहीं है, एक ही मिनट लगेगा इसको समझाने में. ध्यान से देखिए, साइन थीटा टू साइन थीटा है, राइट, और साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी अभी भी तुमने सीखा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2. √3/2 को स्क्वायर करो कितना हो गया? 3/4. ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बी. साइन स्क्वायर बी कितना है भाई? साइन स्क्वायर थीटा है, राइट. थोड़ा सा अगर तुम अपनी अकल दौड़ाओ तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास? 3 sin थीटा माइनस 4 sin³θ, राइट, 4 sin³θ डिवाइड बाई 4. आई हैव टेकन द 4 एज एलसीएम एंड सेंटीमीटर मैंने एंड मल्टीप्लाई कर दिया. व्हाट इज दिस? साइन 3θ बाई 4 है कि नहीं? ठीक है, साइन 3θ बाई 4 है कि नहीं? हाँ है. तो अब ये सब बेसिक बातें तुम्हें समझानी थी, इसलिए मैंने इतना डिटेल बता दिया. अदरवाइज
राइट, रिजल्ट के पीछे का लॉजिक जानने से क्या होता है, रिजल्ट ध्यान रखना आसान हो जाता है, इसलिए मैं ये रिजल्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि ये रिजल्ट कैसे आया, अदरवाइज स्ट्रेट अवे आई कुड हैव रिटन द फॉर्मूलाज, राइट, बट स्टिल चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब अगर इतनी सी बात आप समझते हैं तो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन दिया था इन्होंने, ये तुम्हारे पास आ गया साइन 30 डिग्री साइन 10 डिग्री, बहुत प्यार से देखना, 50 डिग्री को क्या लिखोगे, साइन 60 माइनस 10 डिग्री नहीं लिखोगे क्या, राइट, और साइन 70 को क्या लिखना चाहोगे, 60 प्लस 10 डिग्री। अब ये कुछ जाना पहचाना तुम्हें लगना चाहिए, राइट, ये जो फॉर्मूला है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये तो कुछ जाना पहचाना लगना चाहिए, क्या ये साइन 3 थीटा का 4 टाइम्स, यानी कि ये तो तुम्हारे पास साइन 30 था ही और फिर से तुम्हें एक साइन 30 और मिल गया 3 थीटा से, और डिवाइडेड बाई कितना है 4 है, और साइन 30 होता कितना है, हाफ होता है, तो हाफ इंटू हाफ और 1/4, सो दैट वे योर आंसर इज वॉट, योर आंसर इज 1/16, ठीक है। तो ये सारे लॉजिक ध्यान रखने हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी ये बात भी करूंगा, इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली राइट आप देखेंगे कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो जनरली तुम देखोगे जितने टर्म्स होंगे ना 1/2 की पावर एन उतनी आंसर होती है, एक ये लॉजिक यूज कर सकते हो, अगर टाइम कम बचे तो तुम इस तरह का फ्लूक ट्राई कर सकते हो, इट इज लाइक टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। चार टर्म है 2 की पावर एन 1/2 की पावर 4 1/16 आंसर, यहाँ भी काम कर रहा है, एक दो क्वेश्चन और भी आगे ट्राई मार लेना वहां पे भी काम करेगा, ठीक है। एक तो मैंने कंसेप्चुअल बता दिया और एक मैंने बता दिया तुक्का कैसे लगाना है, समझ रहे हो कि नहीं, वो भी आना चाहिए। चलो आओ आगे बढ़ेंगे, विल मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था, इसको भी देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है ये भी, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा है, कोई ट्राइंगल है, ठीक है भाई, कोई ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल है, कैसा है पता नहीं, मान लो ये ऐसा है, ठीक है, इसमें सबसे लंबी साइड कौन सी है, ए बी सबसे लंबी है, ठीक है, दूसरी लंबी साइड कौन सी है, सी ए सबसे लंबी है, अच्छा तो फिर इसको मैं सी लेता हूँ और इसको सी ए सबसे लंबी, अच्छा इसको सी लेना चाहिए था और इसको लेना चाहिए था ना, अरे यार पूरा ट्रायंगल ही मैंने इरेज कर दिया, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी और ए सी, थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, और कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, आप समझ गए ना मेरी मेरी बात को, तो आप समझ ही गए होंगे, ये रहा ए बी सी, तो ए बी जो है ये 7 हो गया और ए सी इज 6 और बी सी कितना दिख रहा है, बी सी 5 दिख रहा है, ठीक है बच्चों। अ वर्टिकल लाइन अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट एट द मिड पॉइंट डी ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट, ये रहा ए सी का मिड पॉइंट जिसको इन्होंने कहा डी, अब मिड पॉइंट है मतलब ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, इस पे एक वर्टिकल लैम्प पोस्ट रखा गया है। अब देखो वर्टिकल लैम्प पोस्ट है, 2D में हम 3D ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक से देखना पड़ेगा, ये एंगल B पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, देखो ये मान लो ये जो लैम्प पोस्ट है वर्टिकल लैम्प पोस्ट जो है, मान लो इसका नाम DM कहते हैं, तो इस DM को मैं थोड़ा ना अलग से तुम्हें बना के दिखाता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तुम चाहो तो अपने पेपर पे एक डंडा रख के देख सकते हो, एक ट्रायंगल बना दो और D पे एक पेन रख दो खड़ा करके, तो तुम्हें दिख जाएगा, ये रहा DM और B से जो इसका एंगल दे रखा है ये 30 डिग्री दे रखा है बच्चों वर्टेक्स बी से, ओके। इन्होंने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, यानी हमें डीएम की वैल्यू बतानी है, बहुत ही प्यारा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी है, अगर कोई भी एक साइड पता लग जाए तो अपन ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, बिकॉज यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल है, वर्टिकल लैम्प पोस्ट है मतलब ये तो राइट एंगल है ही है, यहाँ पे तो कुछ पता नहीं, फिलहाल दिख भी नहीं रहा कि हाँ भाई यहाँ कोई पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा हो, तो यहाँ तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अब यहाँ पे अगर थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करता हूँ, ये मीडियन बी से डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तुम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा अपोलोनियस थ्योरम, अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, ठीक है, नाम अगर याद रहता तो ठीक है कोई चक्कर नहीं है, और नहीं याद रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपोलोनियस थ्योरम, राइट। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है बेटा, कि अगर ए बी सी तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है और तुम अगर कोई मीडियन ड्रॉ करते हो ए डी, राइट, मीडियन ड्रॉ करते हो ए डी, तो अपोलोनियस थ्योरम ये करता है कि ये जिस पे मीडियन तुमने ड्रॉ किया था, जो एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द बाइसेक्टेड साइड, यानी कि बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इफ यू नो इट वेरी गुड, इफ यू डोंट नो इट यू शुड राइट इट डाउन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं अपोलोनियस थ्योरम यूज करूंगा, यहाँ पे ये बी के एडजेसेंट साइड्स कौन कौन से हैं, बी के एडजेसेंट है मेरे पास 7 का स्क्वायर 49 और ये हो गया 25, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी, यहाँ पे ये बी डी है क्या, हाँ चलो बी डी तो है, ये हमें कैलकुलेट करना है, बिकॉज ये कैलकुलेट कर लिया
तो यहाँ पे अपना काम तो हो जाएगा. ओके, एडी, एडी क्या था, हाफ, राइट. एडी वॉज दिस, तो बी डी यहाँ पे हमारा क्या होगा, हाफ हाफ, यानी कितना हो गया बेटा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9. ओके, देखते हैं कितना आ गया. दिस इज कमिंग आउट टू बी 74. 74 का आधा 37, यानी कि 37 एंड बी डी स्क्वायर प्लस 9. तो भैया बी डी स्क्वायर कितना हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी, बी डी इज कमिंग आउट टू बी 37 माइनस दिस, कितना होता है, 28 होता है क्या, 28 होता है. ओके, दिस कमिंग आउट टू 28, अंडर रूट 28, बी डी इज अंडर रूट 28. ओके, वेल डन. नाउ आई विल गो फॉर tan 30 डिग्री. tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज एम डी अपॉन अंडर रूट 28. तो बोलो एम डी की वैल्यू कितनी आ गई, यही तो आंसर है, यानी कि ये हो गया रूट 3. और रूट 28 कितना होता है, हैं, रूट 28 कितना होता है, रूट 28 हो जाएगा 2 रूट 7, है ना, 2 बाहर ले जाते हैं तो 2 और रूट 7, तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 रूट 21 आंसर हो जाना चाहिए, 2 रूट 21 आंसर होना चाहिए, 2 रूट 21 आंसर तो हमें ईशा ही बता पाएंगी, राइट, उन्हीं का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है बेटा, राइट. और दूसरी बात ये थी कि हमें बेसिक्स हमारे अच्छे होने चाहिए, जो कंडीशन 3D कंडीशन है उसको विजुअलाइज करके सही से तुमने डायग्राम बना लिया तो इट इज ऑल गुड. और दूसरा बेसिक्स ऑफ जो ज्योमेट्री है जो तुमने पहले पढ़ रखा है वो सब तो अप्लाई करने की जरूरत ही है. सो दैट इज हाउ द आंसर इज व्हाट, 2 रूट 21. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. सो टेन थीटा अगर इतना है, टेन फाइव अगर इतना है, तो थीटा प्लस फाइव पूछा गया. कोई टेंशन नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चन में, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट तुम्हें अप्लाई करना है. टेन थीटा प्लस टेन फाइव तुम लोगों को पता है क्या होता है, राइट. टेन ए प्लस बी, बस अप्लाई करो, मजे में रहो. समझ रहे हो कि नहीं, अप्लाई करो और मजे में रहो. टेन थीटा टेन फाइव, बताओ आंसर नहीं पता क्या तुम्हें, बताओ. दिस इज 1/2, दिस इज 1/3, दिस इज 1 - 1/2, कितना 1/6 हो गया. यहाँ कितना आ गया, 5/6, 5/6, अरे कमाल ही हो गया, तो 1 हो गया. थीटा प्लस 5 अगर 1 आ गया, इसका मतलब ये एंगल कौन सा है, थीटा प्लस 5 कितना होगा, 45 डिग्री. सच अ बैड क्वेश्चन, राइट. आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट मूव करूंगा, जहाँ कोई टेंशन हो पूछ लेना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है, यहाँ एक इकट्ठे 3 ले लिया, मतलब ये तीनों लल्लू क्वेश्चन है, एक ही स्क्रीन पे खत्म, राइट. इज नॉट करेक्ट, साइन थीटा माइनस 1 से प्लस 1 होता है, पता है. कॉस थीटा माइनस 1 से प्लस 1 होता है, पता है. टैन थीटा माइनस 2 से प्लस 1 होता है, पता है. सेक थीटा जो है, सेक थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, सेक थीटा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 तक होता है क्लोज ब्रैकेट में, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है. तो अगर हमें ये पता है तो इन्हें करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, विच इज नॉट करेक्ट. तो विच दिस इज नॉट करेक्ट, ओके. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था. टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ना हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है. इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है. क्या टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है. ये तुम्हारे पास बन गया कॉट 89. मल्टीप्लीकेशन में कॉट थीटा इंटू टेन थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा इज वॉट, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा. अरे यार मैं ना जल्दी जल्दी में थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन करा लूँ, बहुत सारे क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन ले लिए मैंने, सोच रहा हूँ सारे करा दूँगा. चलो देखते हैं, जितना होगा सब करेंगे, जाना समझ में पूछ लेना, ठीक है. तो बस इसको यूज़ करना है. तो ये तुम तो अगर सोचो तो टेन 2 टेन 1 डिग्री, टेन 89 डिग्री 1 हो जाएगा, सिमिलरली टेन 2 और टेन 88 1 हो जाएगा. बीच में तुम्हारे पास एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा, कौन सा, टेन 45, जो अदरवाइज भी 1 होता है, सबको मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, ठीक है. सो दैट वाज वेरी इजी. और ये क्वेश्चन नंबर 6 तो बिल्कुल ही बेकार सा क्वेश्चन है. क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस 2 थीटा का. थीटा 15 डिग्री यानी कि कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री इज रूट 3/2. आई मीन सच अ बैड क्वेश्चन, आई डोंट नो कैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं इतने खराब सवाल, बट पूछे गए हैं, क्या करोगे. आओ चलो आगे, कुछ अच्छे सवाल भी हैं, ऐसा भी नहीं है, राइट. वी हैव सम गुड क्वेश्चंस एज वेल. साइन थीटा इज -4/5, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बाई 2. बहुत बढ़िया. अब इसमें क्या करें, इसमें देखो क्या करेंगे, राइट. थोड़ा सा स्क्रीन पे इसको नीचे रख लेते हैं, इसको नीचे रख लेते हैं. ये अरे ये काम भाग गया, ओके हेयर इट इज. सो वी वॉन्ट टू सॉल्व इट. तो साइन थीटा है, थीटा बाई 2 में जाना है. तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशंस जो आप लोगों को ज़रूर से पता होगा, पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई हो रहा था, राइट. जब भी थीटा बाई 2 का कुछ कॉन्सेप्ट हो ना, तो इनमें इन तीनों में से किसी एक में कन्वर्ट करके बात हमेशा बन जाती है. इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला यूज़ हो रहा है, राइट. इन तीनों में से किसी एक में कन्वर्ट करके बात हमेशा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है. ये अभी लास्ट क्वेश्चन में तुमने इसको यूज़ किया था, ठीक है. अभी लास्ट क्वेश्चन में तुमने इसको यूज़ किया था, ठीक है. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब, तो बिल्कुल आप ये समझो कि
ऐसी चीजें हैं जो मैंडेटरी चीजें हैं और आप इसको ध्यान रखना ही रखना है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। ओके, आइए इनमें से अब यहाँ पे यूज करके देखते हैं। लेट्स गो फॉर अ क्विक डिस्कशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। साइन थीटा की जगह पे मैंने रख दिया 2 tan θ/2 अपॉन 1 plus tan²θ/2। बहुत ही बढ़िया, tan²θ/2 इज इक्वल टू -4/5। ये 2 को मैंने यहाँ से उड़ाया और अपने पास कितना आया, अपने पास आया 5 tan θ/2। ठीक है, और ये हो गया 2 plus 2 tan²θ/2। ओके, ब्रिंग देम ऑन वन साइड, आओ देखते हैं कितना हो रहा है। सो दिस इज 2 tan²θ/2 -5 tan θ/2 और साथ में कितना, +2। अब क्या फैक्टराइज होता दिखता है क्या? बिल्कुल दिखता है, बहुत साफ साफ दिखता है ना। क्या दिख रहा है ये मुझे दिख रहा है, तुम देखो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, 2 tan θ/2 और +1, एक तो मुझे -1/2 दिखता है और +1 आएगा, तो ये दिख रहा है tan θ/2 और -4 है ना। ये हमने -1 लेना चाहिए था, थोड़ा सा इसको ठीक करो भाई, यहाँ -1 होना चाहिए था ना। कैलकुलेशन आप भी एक बार देख लेंगे, राइट, एक बार आप चेक करते रहेंगे, ये -4 होना चाहिए था, -4 यहाँ पे हमें 2 लिया और यहाँ पे भी 2 लेंगे तभी बात बनेगी, तो माइनस का 4 और कुछ मिस हो रहा है। आओ यार कर लो यार, इतने में तो हम लोग कर ही डालते, आओ कर लो, राइट। थोड़ा शॉर्टकट मारने के चक्कर में मुझे लग रहा है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, तो आइए कर लेते हैं जल्दी से, राइट, लेट्स डू इट। तो 2 tan²θ/2 ये हो गया तुम्हारा 4 tan θ/2 और -tan θ/2। ठीक है, फैक्टराइज तो आसानी से हो रहा है, मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। अब यहाँ पे 2 tan θ/2 को कॉमन लो, tan θ/2 को कॉमन लो, तो ये तुम्हारे पास रह गया tan θ/2 -2 और यहाँ पे -1 रह गया। तो अभी तो बड़े आसानी से हो गया, पता नहीं क्या मिस कर रहे थे पहले हम लोग, खैर वट एवर इट इज़। यहाँ से मुझे tan θ/2 की 2 वैल्यू मिल रही है, वन ऑफ देम इज 2 एंड द अदर इज 1/2। ठीक है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है फिलहाल, ठीक है, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है और इन्होंने कहा है कि थीटा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आओ चलो देखते हैं, राइट। थीटा ये है, ये कलर कैसे चेंज कर दिया मैंने, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। चलो भाई ये देखो, ये थीटा अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में है और tan θ/2, राइट, ये तुम्हारे पास θ/2 है, तो थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है मतलब थीटा पाई से लेके 3π/2 के बीच में है, तो θ/2 कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, π/2 से लेके π/4 के बीच में होगा, दैट मीन्स इट इज लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan इज व्हाट, tan इज नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे पहले तो माइनस लगा दूंगा पहली चीज। ओके, अब बात आती है कि यहाँ पे हम वैल्यूज क्या ले, तो आइए चलिए वैल्यूज भी लेते हैं। tan थीटा की अगर मैं बात करूँ तो tan थीटा मैंने देखा ये या तो माइनस, मतलब ट्राइंगल में तो या तो 1/2 लोगे या फिर -1/2 लोगे, तो ये हमारे पास अगर ये 2 है तो ये 1 है, इन दैट केस ये हमारा √5 है। द अदर केसेस कि ये वाला 2 है और ये वाला 1 है, ये तब भी मेरा √5 है, दैट इज द गुड साइड। इन्होंने पूछा क्या था अपने से पूछा था cos θ/2, बहुत बढ़िया। तो cos θ/2 क्या होगा, 1/√5 विद नेगेटिव साइन, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में होना तो तय है ना, या फिर 2/√5। 1/√5 दिख रहा है, 2/√5 नहीं दिख रहा है, I'll go with option number C। बात समझ में आ रही है बच्चों, कैसे डील करना है, क्या बेसिक्स ध्यान रखने हैं, तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। ओके, आई टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट यू नो एनी डिले। सो कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, राइट, कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, एनोटेट, ये क्लियर स्क्रीन कर देते हैं ना, क्लियर स्क्रीन, हाँ क्लियर स्क्रीन हो गया, बहुत ही बढ़िया, स्क्रीन हमने क्लियर कर दिया और हमने यहाँ से ये कर दिया, पर ये फिर से कैसे आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x लाइंग इन द इंटरवल 0 से 2π। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, राइट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। tan x को आई प्रेफर राइटिंग इज एज sin x अपॉन cos x, सीधा लिखता हूँ, है ना,
कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है ट्राई टू कन्वर्ट इनटू वन थिंग, यहाँ पे साइन सेक कॉस है तो मैं इसको साइन कॉस में सब कुछ कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, दिस इज वन बाई कॉस एक्स एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स, ओके, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, टू कॉस स्क्वायर एक्स है, राइट, टू कॉस स्क्वायर एक्स है, और मुझे इसमें बताना है कि x की कितनी वैल्यू हो सकती है 0 से 2 पाई के बीच में। तो सबसे पहले तो इसको किसी एक में कन्वर्ट कर लिया जाए, है ना, साइन है यहाँ पे, साइन दिख रहा है तो क्यों ना साइन में ही कन्वर्ट कर लें। तो मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके, आइए देखते हैं। तो ये मेरे पास इसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में, टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ये एक्स था, आई एम सॉरी, मैं बार बार पता नहीं थीटा क्यों लिख दे रहा हूँ यार, बड़ी प्रॉब्लम है, थीटा एक्स को मैं बार बार ये जो है एक्स थीटा लिख दे रहा हूँ, चलिए अभी मैं इसको एक्स ही लिखूंगा, टू साइन स्क्वायर एक्स इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, साथ में मेरे पास एक साइन एक्स है और साथ में इधर जाएगा तो एक माइनस वन आएगा, ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो साइन एक्स की दो वैल्यू आएगी, बट ध्यान रखना है माइनस वन से प्लस वन ही होना चाहिए जो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे और बड़े आसानी से शायद फैक्टराइज हो भी रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी प्लस टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स, राइट, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली ओके विद दैट, और अगर तुमने इसमें टू साइन एक्स को कॉमन लिया तो ये आ गया तुम्हारे पास साइन एक्स प्लस वन, ओके, साइन एक्स प्लस वन, बाई मिस्टेक मैंने वन प्लस साइन एक्स लिख दिया, बट दैट इज ओके चलेगा, ठीक है, यहाँ भी मेरे पास कितना आ गया साइन एक्स प्लस वन, दैट इज इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स की दो वैल्यू मुझे आ रही है, एक आ रही है माइनस वन और दूसरा कितना वन बाई टू, दोनों चलेगा ना, दोनों चलेगा, दूसरा है टू साइन एक्स माइनस वन, राइट, टू साइन एक्स माइनस वन, यानी मेरे पास साइन एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, वन ऑफ देम इज माइनस वन, द अदर इज माइनस वन बाई टू, वन इज प्लस वन एंड माइनस वन बाई टू, ठीक है, दो वैल्यूज आ रही है, सर यू आर नॉट ऑडिबल एज वेल एज विजिबल, अच्छा ये तो बहुत टेंशन वाली बात, ओके, तो साइन एक्स की दो वैल्यू हमारे पास आ रही है, एक वन और एक माइनस हाफ, साइन एक्स की वैल्यू वन तो सिर्फ एक जगह पे आती है, कहाँ पे आती है, पाई बाई टू पे, हमें तो दो आंसर देना है, और माइनस हाफ भी दो जगह पे आएगी, माइनस हाफ भी दो जगह पे आएगी, साइन एक्स की वैल्यू माइनस हाफ दो जगह पे आएगी, कहाँ कहाँ पे आएगी, एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, कितनी वैल्यू है उससे मतलब नहीं है, मतलब होता तो वो भी बता देते, फिलहाल हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू से मतलब है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन, right, how many values of x are possible, the answer will be 3, okay, moving on, the next question, right, ये भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा घुमा करके question पूछा गया है, बड़ा आसान लेकिन बड़ा घुमा फिरा के दिया इन्होंने, आओ चलो देखते हैं, यहाँ पे sin 18 है, sin 9 है, 2 pi by 9, pi by 18 and 2 pi by 9 and then it is 5 pi by 18, सबसे पहले तो इस तरह के question में मैं ये suggest करता हूँ थोड़ा सा foresee करने की habit होनी चाहिए और बेसिक फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, तो मैंने कई बार कहा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस ऑफ साइन प्लस साइन डी, अभी संडे को भी पीछे बताया था तुम लोगों को, क्या था बता तो कोई पाएगा नहीं मुझे, अच्छा आता है, ठीक है चलो बाई क्लास के बाद बताना मुझे, ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, इफ़ यू नो इट वेरी गुड, नहीं पता तो लिख लो यार, ऐसे तीन चार हैं, टोटल चार ही हैं, राइट, उनमें से एक ये है, बाकी मैं बाद में कई बार बता चुका हूँ, अभी फिलहाल मैं रिपीट नहीं कर रहा, तो ये 18 वाले में पहले अप्लाई करता हूँ इकट्ठे और यहाँ 9 वाले में अप्लाई करता हूँ इकट्ठे, ठीक है, 18 वाले में मैंने अप्लाई किया, कितना आया, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस 5 पाई, कितना हो गया 6 पाई, 18 का डबल 36, ठीक है, और कॉस में सब्सट्रैक्ट किया तो ये आ गया 4 पाई, राइट, और नीचे क्या 36, समझ रहे हो कि नहीं, अब इन दोनों में अप्लाई किया मैंने, अभी इधर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ साइन कितना 3 पाई बाय 18 और कॉस में कितना हुआ पाई बाय कितना 18, बहुत ही बढ़िया, देखो ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास पाई बाय 6 है और ये भी पाई बाय 6 है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, साइन पाई बाय 6 कितना होता है, हाफ होता है, यानी तुम्हारे पास जो वैल्यू बच रही है दिस इज कमिंग आउट टू बी कॉस ऑफ पाई बाय 9 प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 18, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, कॉस ऑफ पाई बाई 9 तो दिखा और कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या हम गलत हैं, नहीं गलत नहीं है, हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, यहाँ देखो साइन में इन लोगों ने कहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तुम सही सोच रहे हो क्या,
कि cos theta is equal to sine pi by 2 minus theta, ठीक है, ताकि क्योंकि sine में कुछ यहाँ पे भी एक sine है, यहाँ पे दो दो sine है, तो hint हमेशा question में दिया होता है, उसको देखने की ज़रूरत है, ठीक है, तो चलो देखते हैं कितना बन रहा है, ज़रा चेक करते हैं, तो pi by 2 में से अगर मैं pi by 9 को subtract करूँगा, तो LCM तो 18 आएगा, और 9 में से 2 गया तो 7 pi, ठीक है, मतलब ये आ जाएगा अपने पास 7 pi by 18, ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या, ऐसा कुछ है क्या, हाँ यहाँ पे ऐसा दिख तो रहा है, चलो एक और चेक कर ही लेते हैं, तो pi by 2 में से अगर मैं pi by 18 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो ये कितना होगा, LCM 8, और 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, समझ रहे हो ना भाई, तो 7 pi, राइट, तो ये कितना आ रहा है, साइन ऑफ है 9 में से 1 जाएगा, ही इज राइट, राइट, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन ऑफ 8 पाई बाय 18, 8 पाई बाय 18 क्या है, इसको 2 से कैंसिल कर दिया जाए, है ना, तो 4 पाई बाय 9 हो जाएगा, जो कि दिख रहा है। हाँ समृद्धि, कुछ पूछना चाह रहे हो, बोलो बेटा। ओके, तो विल हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर सेइंग इफ कॉट ए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, तो टेन ए की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3, ठीक है, और ए कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बहुत बढ़िया, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें बस ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो पता लग गए, ए दिस इज एंगल ए, ऑल राइट, बहुत ही अच्छी बात है, और ये -4/3 हम लोगों ने देख ही लिया, तो बोल रहे हैं कॉट ए। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में मैं तो हमेशा तुम्हें यही सजेस्ट करता हूँ कि ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, बहुत अच्छा रहता है, ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 हो गया, है ना, अब कॉट ए की वैल्यू रखेंगे, तो कॉट ए कितना हो जाएगा, -3/4, आई होप यू हैव नो इश्यूज विद दैट, एंड देन कॉस ए की बात करूंगा तो कितना होगा, 3/5, नेगेटिव या पॉजिटिव, सर्टेनली नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और साइन ए की बात करेंगे तो 4/5, वो तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये आ गया बच्चों -3/2 +9 +3 हो जाएगा, है ना, +3 और +4/5, बस खत्म हो गया, इनको अगर तुम डील करो तो ये हो गया +3/2 +3/2 एंड +4/5, एलसीएम कितना आ गया, 10, तो 5 का ये 15 है और 8, है ना, तो 23/10 इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज योर आंसर 23/10। तो ये से बड़े आसान क्वेश्चन है जो मेंस में आपको मिलने के बहुत क्लियर चांसेस हैं, है ना, अभी और अच्छे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, राइट, उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे एक ये क्वेश्चन बड़ा, ये कर्नाटका सीईटी 2002 में पूछा था, आई ट्राइड टचिंग डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ यू नो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट आई केम अक्रॉस, द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज आर्क इज 15 सेंटीमीटर एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 3/4 रेडियंस एट द सेंटर, तो इसमें बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बच्चों, राइट, अगर हम सेंट्रल एंगल थीटा ड्रॉ करते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास एल है और रेडियस आर है, तो ये कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ रखा है जरूर से, राइट, एल अपॉन आर, वेयर थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस, ध्यान रखना, तो बस उसकी वैल्यू रखनी थी, सच अ यू नो आई डोंट वांट टू से द वर्ड अगेन अगेन, राइट, तो रेडियस कितना है, लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ 15 दे रखा है, इन्होंने पूछा क्या, रेडियस पूछा, बताओ क्या है, सच अ मजाक वाला क्वेश्चन, राइट, तो कितना हो गया, 5 हो गया, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है, आर की वैल्यू 20 आ गई, दैट इज योर आंसर, ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, द डिस्टेंस बिटवीन 6 एएम एंड 3:15 पीएम बाय द टिप ऑफ द 12 सेंटीमीटर लॉन्ग आवर हैंड क्लॉक इज, अब देखो फिर से अगेन अभी क्वेश्चन तुम्हारा कैसा है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, राइट, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, थीटा इज इक्वल टू क्या, एल बाई आर, अब थोड़ा सा आओ घड़ी बना करके देख लो, 6 AM, राइट, किसकी बात हो रही है, कौन से हैंड की बात हो रही है, आर हैंड की बात हो रही है, तो आर हैंड जो है 6 AM पे कहाँ पे होगा, 6 पे ही होगा, ऑब्वियसली बात है, राइट, और 3:15 PM मतलब ये पूरा जो है यहाँ पे घूम के आ गया, 3:15 पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, मतलब इसने पूरा इतना एंगल कवर किया। अब सबसे पहले तो इसमें एंगल देखना पड़ेगा बेटा, तो मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स बता दूँ, टोटल 360 डिग्री होते हैं, 12 डिवीज़न होते हैं, यानी कि एक डिवीज़न कितना होता है, 30 डिग्री का होता है, ठीक है, यहाँ कितने डिवीज़न हो गए, 9 डिवीज़न तो साफ साफ दिखने चाहिए तुम्हें, यानी कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया। अब एक घंटे में आर हैंड जो है वो 30 डिग्री मूव करता है, तो 15 मिनट में कितना मूव करेगा, डिवाइड बाय 4, राइट, व्हाट इज दैट, 7.5, आई होप यू गेट ऑल दैट, ठीक है, तो ओवरऑल जो तुम्हारे पास एंगल मूव हो रहा है, एंगल थीटा की जो वैल्यू आ गई डिग्री में, ध्यान रखना भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, दैट इज 277.5 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वही बचपन वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, क्या, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री,
तो कितना करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा 277.5 इंटू पाई अपॉन 180। मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया, अब क्या करूँ, एल बाई आर करता हूँ, एल हमें चाहिए राइट, और आर जितना लंबा इसकी घड़ी है राइट, लॉन्ग आर है ना 12 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू अपने पास कितनी है 12 है, तो क्या एल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, आनी तो चाहिए, चेक करके देख लो कितना जाएगा, 15 से आएगा क्या, 15 से हो जाना चाहिए राइट, 15 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ 15 × 12 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ऊपर क्या ये 15 से जाएगा क्या, चेक करो ना 3 से जा रहा है, चेक करो 3 से ये हो गया 14 और 2 16 बच जाएगा, परफेक्टली जाएगा ये 5 से है ना, क्योंकि 3 से भी जा रहा है और 5 से भी जा रहा है, मैंने 15 से कैंसिल करने की सोची, 1 से किया 15, 15 से 12 127, 127 यानी कि 8 से करूँगा 75, 75 यानी कि 18.5 पाई। अब 18.5 पाई को क्या हम लोग 37 पाई बाई 2 ना लिख लें, बात समझ में आ रही है, तो क्वेश्चन SCRA काफ़ी अच्छा एग्जाम हुआ करता है, UPSC करवाती है इस एग्जाम को राइट, UPSC का कनेक्टेड एग्जाम है और इसका क्वेश्चन है, मतलब डिफिकल्ट नॉट एट ऑल, बट यस थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैं इसको कहूँगा, और आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे ठीक है। कैसे, सबसे पहला काम इसमें क्या था कि क्लॉक ने कितना एंगल रोटेट किया वो हमने देखा, तो उसके लिए क्लॉक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए थे ठीक है, तो ध्यान रखना। I'll move on to the next question again. Right. Next question is AIEEE 2004 question. क्या दे रखा है? Sin alpha plus beta. अच्छा. Let alpha plus beta be such that pi और 3 pi के बीच में है alpha minus beta. अच्छा. Alpha minus beta pi और 3 pi के बीच में है. अच्छा भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं. If sin alpha plus beta is इतना and cos alpha plus beta is इतना, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? ओके आइए करते हैं, लेट अस डू इट है ना, सो लेट्स गो फॉर अ क्विक आंसर फॉर दिस। अब देखो क्या पूछा गया है, माइनस ये क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है, बहुत बढ़िया। तो अगेन क्या कुछ जाना पहचाना नहीं याद आ रहा है तुम्हें, है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को मैं तो बोलूंगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू cos of alpha minus beta by 2, I hope तुम्हें ध्यान आ रहा होगा, और जब मैं cos alpha plus cos beta की बात करूंगा तो मैं इसको बोलूंगा twice of cos of alpha plus beta by 2 into cos of alpha minus beta by 2, आया ना। अब इन्होंने पूछा क्या, cos of alpha minus beta by 2, ठीक है कोई बात नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसा करते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू तो हमें यहाँ से पता लग जाएगी, लेकिन अल्फा माइनस बीटा बाई टू पे यहाँ से पहुँचने का स्कोप नहीं मिल रहा है। अच्छा भाई तो चलो कोई नहीं, डिवाइड करके देखते हैं, बिकॉज ये LHS हमें मालूम है ना, ये कितना है, दिस इज -21/65 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज -27/65 ठीक है। ऑल राइट देखते हैं कुछ तो निकल के आएगा, तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया बच्चों तो ये इधर आ गया मेरे पास 21/27, नेगेटिव साइन इज गॉन, 2 इज गॉन एंड आई एम लेफ्ट ओनली विद टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ठीक है, तो मुझे टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिल गया। अगर यहाँ पे टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मिला होता तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है, कोई बात नहीं, अब तो जो मिला है उससे कुछ निष्कर्ष तक पहुँचना पड़ेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब इसमें क्या कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा बाई टू पे हम लोग हैं, आओ पहले तो सो हमारे पास इस कंडीशन में अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू पूछा गया होता तब तो हम लोग इससे कर लेते, बट क्योंकि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बाई टू पूछा गया है तो आइए यहाँ पे हम लोग एक और कंडीशन हमारे बीच से ये सॉल्यूशन निकल के आया है कि हम लोग इसको स्क्वायर कर लें और स्क्वायर करके देखें, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन स्क्वायर अल्फा राइट, आओ इसको साथ साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और 2 साइन अल्फा साइन बीटा, दैट इज व्हाट विल गेट साइन अल्फा इनटू साइन बीटा, और जब सेकेंड को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा,
तो हाँ, एक सजेशन तो निकल के बढ़िया आ रहा है कि दिस एंड दिस विल बिकम वन, दिस एंड दिस विल बिकम वन, और ये ट्वाइस ऑफ, अगर हम कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी की बात करें, इट इज दैट इज व्हाट, दैट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो एक अच्छी सी बात तो निकल के आती है। फिलहाल कैलकुलेशन बहुत ही लंबा सा लिख रहा लग रहा है, बट कोई बात नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, है लंबा सा तो है, अब क्या किया जाए। 65 का स्क्वायर तो दोनों जगह पे एलसीएम ही है। 21 का स्क्वायर शायद 441 होता है, और 27 का स्क्वायर शायद 729 होता है। कितना होता है? 729। थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी रखोगे, और 65 का स्क्वायर भी तो खैर सबको पता ही होता है। चलो देखते हैं कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया मेरे पास वन, और टू हमने कॉमन लिया, तो ये आ गया मेरे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी इसको मैं लिखूंगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और इसको उठा करके उधर ले गया, तो ये हो गया मेरे पास टू। ठीक है बच्चों, टू हो गया। ठीक है भाई, तो क्यों ना टू को भी हटा दिया जाए, या फिर टू को क्यों हटाएं, हम लोग इस टू को इधर ही रहने देते हैं। वन प्लस कॉस थीटा वाई यूज कर लेंगे ना, हमें तो कॉस स्क्वायर पे जाना है ना, तो क्योंकि इस पे जाना है तो क्यों ना उसको हम यूज कर ले कॉस स्क्वायर वाला, है ना। समृद्धि शायद अभी यही बताना चाह रही थी, उसका हैंड रेज हो गया था। ओके, तो ये 0 हो गया, ये तुम्हारे पास 6 और एक 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 11, है ना, 1170। यहाँ भी नीचे तुम चाहो तो कर ही सकते हो, कितना हो जाएगा, 65 का। तो इसको स्क्वायर रहने दो, बिकॉज अभी अंडर रूट में काम आएगा। ठीक है, लेट इट बी लाइक दिस। तो ये तुम्हारे पास हो गया टू, तुमने कॉमन लिया, टू को हटाओ, राइट, टू को हटाओ। ये तुम्हारे पास टू अगर तुमने हटाया इधर से, हाँ, 65 का स्क्वायर है हमारे पास, लेट्स नॉट फॉरगेट इट। और ये वैल्यू अपने पास आ रही है बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो इस टू को उठा करके मैं यहाँ ले गया, और वन प्लस कॉस थीटा कितना होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है। तो अब आप काफी अपने आंसर तक पहुंच गए हैं, राइट, अल्फा माइनस बीटा बाई टू जो हमें चाहिए था, और इस टू को भी उठा करके आप यहाँ रख लें। तो नीचे तो ये 110, 65 × 2, 130 बहुत बढ़िया दिखता है। जब इस अंडर रूट को इस तरफ लेके जाओगे तो ये तो 130 पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1170। 130 वाला ऑप्शन जरा देखें हम लोग, ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए, राइट, ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। तो ये तो मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा है, तो चलो ठीक है देखते हैं कौन सा है, शायद कुछ और भी कैंसिल हो रहा होगा। 170, 1170 से क्या कॉमन लिया जाए। हाँ अच्छा, एक चीज और देखते हैं, इतना इतना इतने चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, या तो ये आंसर या फिर ये आंसर। तो हम ऐसा करते हैं ना, क्वाड्रेंट यूज करते हैं, राइट, क्वाड्रेंट यूज करते हैं बेटा। ये पाई बाई टू अल्फा माइनस बीटा, ठहर जाओ समृद्धि, तुम जरा सब्र करो। 3π/2, यानी कि ये मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट है, और हम कॉस की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कॉस नेगेटिव ही होता है। सो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। बोलो समृद्धि, अब बोलो क्या किया, आइए एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। कुछ लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है, तो एक बार इसको चेक करेंगे, राइट। यहाँ पे हमारे जब कैलकुलेट किया, ये 1170 तो ठीक है ना, 1100 ये, और 70 ये ठीक ही लग रहा है, 1170। और टू हमारा पहले का था और टू अब का था, तो ये 4 इधर आ गया, तो 4 ये 130 आ गया। अच्छा चलो, ऐसा करते हैं कि हम लोग एक बार इसको अलग करके रखें, राइट, अंडर रूट नहीं तो कॉस स्क्वायर में ही रहने देते। अगर अगर कॉस स्क्वायर में ही रहने देते तो देखते कि भाई चलो कॉस स्क्वायर में हमने रहने दिया, ठीक है, कॉस स्क्वायर में रहने दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू में अगर रहने दिया, क्योंकि आंसर तो नेगेटिव में आएगा, एक बात तो तय है। तो बी और सी तो खैर आप कभी भी मार्क नहीं करेंगे, है ये और ना, ये सेम वैल्यू सेम दे रहा है। सेम, आप ठीक है, सेम वैल्यू दे रहा तो अच्छी बात है, देख लेते हैं, राइट। प्रिंसिपल में दो सेम दे रहा है। अच्छा कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देख लेते हैं एक बार, है ना। तो 1130 है हमारे पास, और नीचे हमारे पास ये 130 का स्क्वायर है, ठीक है, दिस स्क्वायर ऑफ 130, ध्यान से देख लो, हम लोग कॉस स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो क्यों ना हम लोग इसमें 1170 है, राइट, हाँ, नहीं चला जाता है। अरे हाँ यार, बताओ यार कैसी बात कर दी आप लोगों ने, मतलब हमने सबने है 130 है, तो एक तो ये 0 चला गया और ये 9 से चला गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये तुम्हारे पास 9/130 आ रहा है, और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 3 हो गया और ये 130 हो गया, बिल्कुल सही। और नेगेटिव में ही आंसर होगा, बिकॉज मेरा जो अल्फा माइनस बीटा बाई टू है ये कहाँ पे है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर सर्टेनली ए ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, थैंक यू। आइए आगे बढ़ेंगे, राइट, हमारा टाइम हो गया है, बट हम कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और टच करना चाहेंगे, राइट, बिफोर वी
क्वालिटी डे, हालांकि टोटल 16 क्वेश्चंस या 17 मैंने लिए थे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, राइट। ये कर लेना, मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे देता हूँ इसमें कैसे करोगे, सिर्फ हिंट दे देता हूँ। जैसे अल्फा प्लस बीटा बाई टू है ना, तो तुम यहाँ से टैन निकाल लोगे, टैन अल्फा प्लस बीटा बाई टू निकाल लोगे। टैन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कितना हो जाएगा, ये बी बाई एच होता है ना, बी बाई एच होता है, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये तुम्हारे पास 3 हो गया, तो ये कितना हो गया, 3/4 हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू करोगे, ये ट्राइंगल बनाया तुमने, ये तुम्हारे पास अल्फा माइनस बीटा है, और साइन कितना दे रखा है, 5/13, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, तो ये हो गया 12। तो टेन अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया, 5/12 हो गया। तुमसे पूछा गया टेन टू अल्फा, तो टेन टू अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, टेन टू अल्फा तुम्हारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। बस यहाँ तुमने अप्लाई किया, काम खत्म। टेन ए प्लस टेन बी, राइट, ओवर 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास 15/48। ठीक है, थोड़ा सा काट कूट कर लो, ये हो गया 5 और ये हो गया 16, कट ही जाएगा है, तो ये कितना आ गया 48, यहाँ 12 रह गया LCM, 12 रह गया तो 9 और 5 और ऊपर 16 में से 5 गया तो 11, समझे कि नहीं, 16 में से 5 गया तो 11, यहाँ पे 12 LCM है और ये 16 ऊपर जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन एक बार देख लेना तुम लोग भी हैं, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3 और ये 14 तो जाएगा नहीं, तो ये तुम्हारे पास हो गया 56/33, तो 56/33 तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगेन ये वाला क्वेश्चन मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, ये मुझे अच्छा लगा था, डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा है। ठीक है, आओ चलो देखते हैं, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तुम्हें पूछा गया है, थोड़ा ये इसकी स्कैनिंग अच्छी नहीं हुई है, जो क्वेश्चन है वो है F4-F6 की वैल्यू पूछी गई है, और इसमें एफ के की डेफिनेशन क्या, क्वेश्चन डिफाइन कर दे रहा हूँ ताकि कोई अगर बाद में देखे यूट्यूब पे तो उसको ठीक से दिखना चाहिए। दिस इज साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स, बहुत ही प्यारा अच्छा सा क्वेश्चन है, और के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ऐसा दे रखा है, तो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें जब इसमें तुम 4 रखोगे ना, ना के 1 कैसे लोगे, तुमसे F4-F6 पूछा गया, दिस इज द क्वेश्चन, तो 1 लेके क्या फायदा हो, कोई फायदा नहीं है उसमें, है ना। तो मैं स्ट्रेट अवे 4 पे आना चाहूंगा, 4 पे ध्यान दो, तुम्हारे पास F4 कितना होगा, F4 की वैल्यू हो जाएगी 1/4, दिस विल बी साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, अब कुछ नहीं करना यार, तुम इसमें बेसिक अलजेब्रा लगाओ ना, जैसे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर तो 1 हो जाएगा ना बेटा, तो ये हो गया तुम्हारे पास 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x। ठीक है, साथ में तुम्हारे पास 1/4 है, उसको एज इट इज रहने दो। तो आई होप आप इतनी सी बात को बड़े आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, वी आर जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ बिकॉज द नेक्स्ट बैच इज ऑलरेडी हेयर एंड आई वुड लाइक टू वाइंड इट अप इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स, राइट। F6 भी देखो, जल्दी से बताऊंगा, तो F6 देखो बेटा, ये 1/6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन की पावर 6x और कॉस की पावर 6x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी अगेन ये सब अलजेब्रा है, राइट, a की पावर 6 और b की पावर 6, हम अगर इसको किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो तुम्हारे समझने के लिए लिख रहा हूँ, तुम इसको ऐसे देख सकते थे ना, राइट, दैट इज हाउ यू कैन सी a, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस b, राइट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन टू वॉट, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस ab, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर, ये सब कुछ क्या है, ये क्या है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये तो गया, राइट, तो ये कितना बचेगा, सोचने की बात है, यहाँ वन, वो तो वन इंटू एनीथिंग, वो तो वन ही हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये तो चला ही जा गया, तो ये वन बन गया, और ये बना तुम्हारे पास वही ए की पावर 4 बी की पावर 4 जो ऊपर बना था, तो ये क्या बन गया, 1-2 और माइनस में एक और है, तो क्या बन गया, 1-3, समझ रहे हो कि नहीं, 1-3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बस इन दोनों को तुमने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, सोचने की बात अच्छी है कि यहाँ भी 1/2 है, ध्यान से देखो, और यहाँ भी 1/2 है, तो ये जो प्रॉब्लमेटिक था वो तो गया, बचा सिर्फ एक, क्या, 1/4-1/6, सच एन इजी क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव था, ये रिजल्ट अगर ध्यान रखोगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। 12 LCM है, 3-1 किया तो आ गया, 3-2 किया तो आंसर कितना आ गया, 1/12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/12। ठीक है बच्चों, आई विल स्टॉप इट हियर, राइट।